क्योंकि रात को मैं लेट सोया और मेरी आँख ही नहीं खुली। और हालांकि मैंने अलार्म भी सेट करके रखा हुआ था, कुछ पता नहीं चला। कौशल की आँख खुली है जल्दी जल्दी से। अगर कौशल जी ने जो है रोटी बनाई, तो अभी मैं सहरी करने लगा हूँ। आज कौशल ने बनाया आलू पालक और पराठे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहरी कर ली है। और अभी भी तकरीबन कोई 3-4 मिनट रहते हैं, तो चाय भी रेडी हो चुकी है। और मेरी आंख ना तकरीबन 4 बजकर 14 मिनट पर खुली है, और वो भी मेरी आंख नहीं खुली, कौशल की आंख खुली है। तो उसने मुझे उठाया, उस वक्त टाइम था 4 बजकर 14 मिनट। तो जल्दी से फटाफट किया कौशल ने, उसने सहरी रेडी कर ली तकरीबन 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट तक ना सर उसने सहरी जो है रेडी कर ली थी, क्योंकि सालन जो है वो रेडी था और आटा भी गूंधा हुआ था, सिर्फ रोटी बनानी थी। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरा रोज़ा नहीं छूटा। मुझे बस फिक्र हो रही थी कि रोज़ाना छोड़िए। गर्मा गर्म चाय भी रेडी होके आ चुकी है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो मैं जल्दी से चाय पी लेता हूँ, अजानें भी होने वाली हैं। क्या हो गया? बस इसमें के मैं डालें और इसको जल्दी से घुमाएं, बस दे दें मुझे। चल चल चल, शुक्रिया 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 19वें रोज़े की सहरी कर ली। आज का रोज़ा जो है वो मिस नहीं हुआ और मिस होने वाला था, बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जाग जो है ना टाइम पर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखे। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बस अजानें भी हो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर मैं सो जाऊँगा 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने वापस घर जाना है, और घर के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आज लाजमी लाजमी करने हैं। सुना है कल बोर तो नहीं हुई? हाँ अच्छा दिन गुजरा है। हम रोज़ा अफ्तारी करवा रहे थे, तो उसके पता नहीं घंटे बाद उस टाइम बारिश शुरू हुई है। आपको पता है कि कल बारिश भी हुई थी? हाँ पता है। किस टाइम हुई थी? जिस टाइम आपको फ़ोन आया। अच्छा, मैंने पता नहीं 8-9 बजे फ़ोन किया था। कल बारिश अच्छी खासी हुई है, क्योंकि अक्सर मैं ना तकरीबन 1-2 घंटे बाद फ़ोन करता रहता हूँ लाजमी। और जब मैंने फ़ोन किया ना तकरीबन 8-9 बजे रोज़ा अफ्तारी के बाद, तो फिर इनकी जाग हुई, ये सोए हुए थे, और जब बाहर देखा तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो चले जी, मैंने नमाज़ फजर पढ़ ली है, तो अभी मैं रेस्ट करता हूँ 2-3 घंटे। तो उसके बाद फिर बाकी की जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह हो गई, सुबह के 9 बजने वाले, और बाहर देखते हैं, माशाल्लाह सब्ज़ी तो काफ़ी अच्छी होगी। और ये देखें माशाल्लाह से सब्ज़ी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और सब्ज़ी सारी निकल रही है बाहर। तो चले जी, मेरी थोड़ी लेट जाग हुई है, तो अभी मैं घर के लिए निकलता हूँ। चलो तो ठीक है, मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फिर बताना, मैं आके दे जाऊँगा। ठीक है, चले। मौसम जो है साफ़ है, और सूरज भी निकला है, सूरज बैक साइड पर। तो बस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। और यहाँ पर इतना तेज़ बारिशें होती है, रोडों के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होता थोड़ी देर के बाद। तो आज माशाल्लाह से सूरज भी निकला हुआ है और धूप भी अच्छी लग रही है। रात को तो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। तो चले जी, मैं घर वापस आ गया हूँ, और माशाल्लाह से हमारे आड़ू का पौधा भी तरोताज़ा है। और अब देखें हमारा गार्डन कितना अच्छा लग रहा है। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे बेबी? आप क्यों कर रही हो? आपकी मम्मा उठी है? नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लेने के लिए कौसर के लिए, तो सब्ज़ी ला के गाड़ी में रख दूँगा। और भी बहुत सारे काम हैं आज, काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी है सबको ईदी देने के लिए। तो कौसर को सब्ज़ी देकर वापस घर आना है, उसके बाद हमने जाना है शॉपिंग पर, और टेलर मास्टर को कपड़े भी देने हैं, शॉपिंग भी करनी है, और सबकी ईदी भी बनानी है, और काफ़ी सारे काम हैं जो करने हैं, और ऊपर दिन जो है वो काफ़ी कम रह गए। तो कौशल से मैं फ़ोन करके पता कर लेता हूँ कि आपको कौन सी सब्ज़ी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए तो मुझे बता दें। अभी मैं आ गया हूँ वेजिटेबल शॉप पर, और यहाँ से वेजिटेबल ले लेता हूँ, हरी मिर्ची और आलू, और भी काफ़ी सारी सब्ज़ी आई हुई है। तो घर के लिए मैंने सब्ज़ी फ्रूट ले लिए, तो अब चिकन लेना है। तो चलें जी, चिकन भी ले लिया। आज कौसर जो है चिकन और कचनार बनाएगी। और देखें फिर से बादल आ गए, आसमान जो है बादलों से ढक चुका है, और यहाँ पर ना सूरज निकलने का पता होता है, ना बारिश होने का पता होता है। पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं खुद आ गया हूँ, सितारा को मैंने लेके आया। तो बस अभी मैं अंदर चलता हूँ मीटिंग अटेंड करके, तो फिर घर जाऊँगा, वहाँ पर सब्ज़ी, ये गोश्त, ये सब चीज़ें दे के तो फिर वापस आऊँगा। गाड़ियों का रास्ते के सभी बच्चों के पेरेंट्स आए होंगे मीटिंग में। ये तो मैं पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के बाद घर पहुँच गया हूँ। अभी अंदर चलता हूँ, सब्ज़ी वगैरह देता हूँ, फिर यहाँ से पानी की कैन भी उठाता हूँ, क्योंकि पानी भी ख़त्म होने वाला है घर में। तो चलें जी, सामान उठाता हूँ और अंदर चलता हूँ। तो सामान ला कर यहाँ पर रख दिए टेबल पर, डोर को बंद कर देता हूँ। और किचन में किस चीज़ की कमी है? सब्ज़ी वगैरह तो ले आया हूँ, सब्ज़ी अभी टोकरी में रखेंगे,
और पानी ख़त्म है तो पानी भी ले आता हूँ। आ जाए ले आया हूँ सब्ज़ी, ठीक है। अच्छा इसमें टमाटर, अदरक लहसुन प्याज ये, ठीक है, ये फ्रूट है, ये सब्ज़ी, धनिया हो गई, हरी मिर्ची हो गई, और ये चिकन और कचनार भी है। आज चिकन और कचनार पकाना, ठीक, आज आपने ना अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। चिकन भी ज़्यादा है और कचनार भी तकरीबन एक किलो से ज़्यादा है, थोड़ी सी बहुत है, बहुत है या कम है? बहुत है, मैं समझ रहा था मुझे कम लग रही है, ज़्यादा। चलो ठीक है, ये बनाए। और खाला जो है यहाँ पर जबड़े बना रही हैं, ये देखें, और माशाल्लाह कितना अच्छे जबड़े बने हैं, हाथों से जबड़े बना रही हैं। हम अक्सर मशीनी जबड़े खाते हैं और यहाँ पर जो है हाथ के जबड़े बन रहे हैं, और जबड़ों के लिए डो बनी हुई है, तो इसी डो से ना ये जबड़े बनते हैं। तो चलो मैंने मिल्क शॉप से ना घर के लिए फ्रेश फ्रेश मिल्क भी ले लिया है, लें दूध, ठीक है, किसी और चीज़ की कमा पेशी हो तो फ़ोन करना, ठीक है, ओके, बंद कर दो। तो आज मौसम देखें कितना अच्छा बना हुआ है, आसमान पर बादल, और आज आंधी भी इतना ज़्यादा तेज़ आई है ना, बहुत ज़्यादा, और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप इस तरफ देखें कि कितना ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। मैं कहीं बाहर निकला हुआ हूँ और मैंने कुछ सामान, कोई कार्गो कराना था, तो मैं फैज़ाबाद की तरफ आया हूँ, और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, और तैयबा भी मेरे साथ है। हेलो तैयबा, कैसी है बारिश? अच्छी है। और इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं, और अंधेरा देखें कितना छा गया है, क्योंकि आसमान पर बादल हैं, सूरज भी छुप गया है, और हवा भी इतना तेज़ चल रही है। ये देखें दरख्त आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना लहरा रहा है, और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा दरख्त भी कितना लहरा रहा है, और साथ में लगे जो बैनर्स हैं वो भी कितना लहरा रहे हैं, इतना ज़्यादा तेज़ हवा है। आज मेरा रोज़ा जो है गाड़ी में इफ्तार हुआ है, क्योंकि हम गए थे कि कोई सामान कार्गो कराना था, वो सामान कार्गो कराया है, तो घर में नहीं पहुंच सका। बारिश इतना ज़्यादा तेज़ थी कि कहीं भी नहीं जा सका, और मेरे कपड़े भी भीग गए हैं। तैयबा भी मेरे साथ साथ घूम रही है, तैयबा भी परेशान है कि हम कहाँ आ गए। चले सामान तो कार्गो करा दिया है, अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। तो सितारा के साथ मैं घर पहुँच गया हूँ, अभी अंदर चलते हैं, और पानी की कैन भी लेके आया हूँ। चले हाँ चले। और हवा भी तेज है बाहर, बाहर हवा की आवाज़ें तो सुनो, बारिश तो रुक गई है और हवा बहुत तेज है। हाँ, हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी। सितारा जो है वो खाला के साथ बातें कर रही है, और कौसर ने आज कचनार बनाई है, बड़े मजे की लग रही है। हाँ आज बारिश कैसी थी? क्या है, आटा गूंदा हुआ है? अच्छा चलें, एक दो रोटी बना दें फिर रोटी खाते हैं। आप भी खाओगे ना? हम साथ बैठ के खाएंगे। फ़ोन कर देते ना, मैं रास्ते से लेता हूँ आता रोटी। तो चलें जी, खाना जो है वो गर्म हो रहा है और रोटी भी बन रही है, तो बस खाना खाते हैं फिर चलेंगे वापस घर। तो आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ मिलूंगा कल। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सितारा और मैं, हम दोनों आए थे यहाँ पर न्यू घर में, और सितारा ने कौसर से मिलना भी था और मेरी सास से भी मिलना था। तो अभी प्लान ये बना है कि कौसर और मेरी सास जो है वो जा रहे हैं साथ ही हमारे फर्स्ट घर में सितारा के पास, क्योंकि मैंने सुबह सहरी के टाइम जो है निकल जाना है गाड़ी लेने के लिए, और मुझे सारा दिन वहीं पर ही लगना है, और मैं कल शाम को ही वापस आऊँगा। तो इसलिए कौसर को और कौसर की अम्मी को साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली होंगी, कोई खुदा ना खासा कुछ मसला बन सकता है, तो इस वजह से वो घर के पास होंगी, और हॉस्पिटल जो है वो घर के पास ही है, तो इसीलिए उनको लेके जा रहे हैं साथ।